अधिक भाग सौर विकिरण का अधिक भाग सोखती है, सौर विकिरण का अधिक भाग सोखती है, यानी जितने भी अन्य सारी गैसें हैं उन गैसों की अपेक्षा जो ओजोन गैस है, कौन सी गैस, जो ओजोन गैस है, यह ओजोन गैस, कौन सी गैस, यह ओजोन गैस, यानी जो सूर्य से आने वाली जो विकिरण है, जो किरणें हैं, उनका अधिक भाग को सोख लेती है, सूर्य से आने वाली प्राबैंगनी किरणों के अधिक भाग को, अल्ट्रावायलेट रेज के अधिक भाग को सोख लेती है। इस कारण से ही तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इस कारण से ही तो हम इसको जीवन रक्षक गैस कह रहे थे। अगली है, अगला है ओजोन परत की, यानी अगली विशेषता आती है ओजोन परत की मुख्य विशेषता यह है कि सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट प्राबैंगनी सूर्य से आने वाली प्राबैंगनी किरणों का यानी अल्ट्रा वोइलेट रेज UVR, ठीक है ना, अल्ट्रा वोइलेट रेज का यानी ओजोन परत की मुख्य विशेषता यह है कि सूर्य से आने वाली प्राबैंगनी किरणों अर्थात अल्ट्रा वोइलेट रेज का प्राबैंगनी किरणों के अधिकांश भाग का अवशोषण कर लेती है, देखिए का अवशोषण कर लेती है। ओजोन परत की मुख्य विशेषता क्या है, मैन साइलेंट उसका फर्दर्स क्या है, करैक्टरिस्टिक्स क्या है, देखिए ओजोन परत की मुख्य विशेषता यह है कि क्या विशेषता है, यह का मतलब क्या विशेषता है, सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज के अधिकांश भाग को अडॉप्ट कर लेती, ग्रहण कर लेती है, उसका अवशोषण कर लेती है, यानी यानी सूर्य से आने वाली जो प्राबैंगनी किरणें हैं यानी प्राबैंगनी किरणों के अधिकांश भाग का क्या कर लेती है, अवशोषण कर लेती है,
यानी का जो अधिकांश भाग है उस अधिकांश भाग का क्या कर लेती है, उस अधिकांश भाग का अवशोषण, अधिकांश भाग का अवशोषण कर लेती है। कौन है? कौन है? ओजोन परत। ओजोन परत में क्या है? O3 है, ओजोन गैस है। अर्थात किस मंडल में मर्ज है? स्ट्रेटोस्फीयर में मर्ज है, समताप मंडल में मर्ज है ये, ठीक है ना। आगे चलते हैं, ओजोन मंडल, ओजोन मंडल ओजोन मंडल क्या ओजोन मंडल पराबैंगनी किरणों को छानने का कार्य करता है। यानी ओजोन मंडल पराबैंगनी किरणों को छानने का कार्य करता है। पराबैंगनी किरणों को छानने का कार्य करता है। पराबैंगनी किरणों को छानने का कौन है? ओजोन मंडल, ओजोनोस्फीयर छानने का कार्य करता है। इसलिए इस स्तर का तापमान सदैव उच्च ओजोन मंडल पराबैंगनी किरणों को छानने का कार्य करता है। पराबैंगनी किरणें अर्थात जैसे एक चलने के द्वारा हम लिक्विड को छानते हैं, जैसे एक चलने के द्वारा हम एक द्रव को छानते हैं, वैसे ही अल्ट्रावायलेट जो किरणें सूर्य से आ रही हैं उनको एक छानने का कार्य जो कौन करती है? छानने का कार्य ओजोन मंडल करती है। जितने भी वो हानिकारक किरणें होती हैं उनका अवशोषण कर लेती है, अर्थात अधिकतम भाग का अवशोषण कर लेती है, उन्हीं को हमारे धरातल तक आने देती है जो मानव के लिए यानी इस प्राणी जगत के लिए हानिकारक नहीं होती हैं। अर्थात ओजोन मंडल के द्वारा जो सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट जो रेज हैं उनको छानने का कार्य किया जाता है। क्या किया जाता है? छानने का कार्य किया जाता है। जब वह फिल्टर का कार्य करती है, कौन है जब वह फिल्टर का कार्य ओजोन मंडल करती है तो इसका तापमान सदैव क्या बना रहता है? उच्च बना रहता है। किसका तापमान सदैव उच्च बना रहता है? यानी ओजोन मंडल का तापमान सदैव उच्च बना रहता है। आप देखिए, ये देखो, ये रहा फैक्ट है।
समता मंडल में तापमान वृद्धि, इस मंडल में मौजूद ओजोन गैस सूर्य प्राबैंगनी विकिरणों का अवशोषण उनको अवशोषण करती है, उनको फिल्टर करने का कार्य करती है। इस कारण से ही ओजोन मंडल में तापमान की क्या पाई जाती है, तापमान की वृद्धि पाई जाती है। प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है, हम आगे बढ़ाते हैं। इसी ही मंडल के हम कुछ कॉन्सेप्ट बच रहे हैं, हम उनको आगे बढ़ाते हैं, उन्हीं कॉन्सेप्ट के साथ आपके साथ आगे फिर हम चर्चा करते हैं। देखिए, देखिए इसके शेष बचे हुए जो फैक्ट हैं, हम उन फैक्टों को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं आपके पास में। जो उसके शेष बचे हुए फैक्ट हैं इस ही मंडल के, जो ओजोन से संबंधित फैक्ट हैं, हम उनको क्या करते हैं, आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। ठीक है ना, ओजोन मंडल के अभाव में या ओजोन स्तर के अभाव में, किसके अभाव में, ओजोन जो स्तर है, इस ओजोन स्तर के अभाव में अत्यधिक है, अत्यधिक प्रचंड एवं अत्यधिक प्रचंड एवं हानिकारक प्राबैंगनी किरणें प्राबैंगनी किरणें धरातल पर पहुंचकर, यानी अत्यधिक हानिकारक किरणें धरातल पर पहुंचकर झुलसा देती एवं पृथ्वी
एवं पृथ्वी धरातल एवं पृथ्वी धरातल एवं पृथ्वी धरातल पर एवं पृथ्वी धरातल पर जीवधारियों का जीवन जीवधारियों का जीवन अत्यधिक भीषण गर्मी के कारण संकट में पड़ जाता, यानी संकट अत्यधिक गर्मी के कारण ओजोन स्तर के अभाव में, यानी ओजोन गैस के अभाव में, आप तो ये मानो कि स्ट्रेटोस्फीयर में जब हम ये पढ़ रहे हैं तो हमारे को पढ़ना क्या है, हमारे को पढ़ना यह है हम जो पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, हम ये पढ़ रहे हैं कि ओजोन स्तर के अभाव में या ओजोन गैस के अभाव में, आप ऐसा लिख लो यहाँ पर, तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ओजोन गैस के अभाव में अत्यधिक प्रचंड एवं हानिकारक पराबैंगनी किरणें धरातल पर पहुंचकर झुलसा देती एवं पृथ्वी धरातल पर जीवधारियों का जीवन अत्यधिक भीषण गर्मी के कारण संकट में पड़ जाता। सही बात है, ये सही कॉन्सेप्ट है। यदि यह स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर वाले भाग में यदि क्या नहीं होती यदि ओजोन गैस नहीं होती तो सूर्य से आने वाले अल्ट्रा वोयलेट रेज सीधे पृथ्वी के धरातल पर आती, और सीधे जब पृथ्वी के धरातल पर आती तो इसका प्रभाव किस पर पड़ता, इसे पृथ्वी पर रह रहे विभिन्न प्रकार के जीव, यानी उन विभिन्न प्रकार के जीवों पर क्या पड़ता, यह प्रभाव पड़ता। कौन सा प्रभाव पड़ता, यह हानिकारक प्रभाव पड़ता। कौन सा हानिकारक प्रभाव, सूर्य से आने वाली प्राबैंगनी किरणों का प्रभाव पड़ता। इससे अत्यधिक पृथ्वी की गर्मी बढ़ जाती, पृथ्वी के सरफेस की गर्मी बढ़ जाती, और इस सरफेस की गर्मी बढ़ने के कारण से, इस ऊपर वाले भाग की गर्मी बढ़ने के कारण से यहाँ पर रह रहे जो जीवधारी हैं उनका जीवन किस में पड़ जाता, उनका जीवन संकट में पड़ जाता। यदि ओजोन गैस इस वायुमंडल में उपस्थित नहीं होती तो ऐसा ही होता जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका जस्ट अपोजिट हो जाता, ठीक है ना, और अस्तित्व खतरे में पड़ जाता, ठीक है। यानी अगला फैक्ट है, ओजोन मंडल है का तापमान, किसका, ओजोन मंडल का तापमान
अधिकतम तापमान किसका? ओजोन मंडल का, ओजोन मंडल का, या ओजोन मंडल में अधिकतम तापमान ऊंचाई में वृद्धि के साथ, अधिकतम तापमान ऊंचाई में वृद्धि, किसमें? हाइट में वृद्धि, यानी ऊंचाई में क्या हो रही है? ऊंचाई में वृद्धि के साथ, ऊंचाई में वृद्धि के साथ, के साथ 5 डिग्री सेल्सियस, कितना? 5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर की दर से बढ़ता, प्रति किलोमीटर की दर से बढ़ता, यानी प्रति किलोमीटर की दर से बढ़ता, 5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर की दर से बढ़ता और लगभग बढ़ता और लगभग क्या? और लगभग 60 किलोमीटर की और 60 किलोमीटर की ऊंचाई तक, ऊंचाई तक इसी प्रकार ही वृद्धि होती, इसी प्रकार ही वृद्धि होती, ठीक है ना? देखिए, ओजोन मंडल में अधिकतम तापमान, ओजोन मंडल में अधिकतम तापमान ऊंचाई में वृद्धि के साथ, यानी ओजोन मंडल जो है, ओजोन मंडल में, ओजोन मंडल में तापमान ऊंचाई में वृद्धि के साथ, ओजोन मंडल में तापमान ऊंचाई में वृद्धि के साथ, ओजोन मंडल में तापमान ऊंचाई में वृद्धि के साथ, ऊंचाई में वृद्धि के साथ 5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर की दर से बढ़ता और लगभग 60 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसी प्रकार से बढ़ता रहता, अर्थात ओजोन मंडल में तापमान, ओजोन मंडल में तापमान यानी ऊंचाई तक इसी प्रकार ही वृद्धि होती है। देखो, थोड़ी सी मैं शब्दावली में परिवर्तन कर रहा हूँ, और लगभग कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक ये टेम्परेचर की वृद्धि? लगभग 60 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये जो तापमान में वृद्धि हो रही है, अर्थात
60 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो ये तापमान में वृद्धि हो रही है, ये तापमान में वृद्धि इसी प्रकार से होती रहती, जिस प्रकार से यह आंकड़ा हमारे पास में मेंशन है, कितना प्रति किलोमीटर पर 5 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब 60 किलोमीटर तक इसी प्रकार से वृद्धि होती रहती है, ठीक है ना, वृद्धि होती रहती है। इस स्तर का तापमान, यानी इस मंडल को कह दो, इसको स्तर कह दो, इस स्तर का जो तापमान, कौन से स्तर का, यानी ओजोन मंडल, इस स्तर का अधिकतम तापमान धरातल के निकट, अधिकतम तापमान धरातल के निकट, किसके निकट, धरातल के निकट के तापमान से अधिक होता है, निकट है के तापमान से अधिक होता है, ठीक है जी। देखिए आप, हमारे पास में कॉन्सेप्ट आ रहा है धरातल के निकट के तापमान से अधिक होता है, से अधिक होता है के तापमान से अधिक होता है, के तापमान से अधिक होता है, इस स्तर का अधिकतम तापमान धरातल के निकट के तापमान से अधिक होता है, कौन से स्तर का, कौन से स्तर का, ओजोन स्तर वाला, ओजोन मंडल वाला टेम्परेचर, जो धरातल के निकट तापमान पाया जाता है, जहां पर हम रह रहे हैं, यानी जहां धरातल के निकट टेम्परेचर पाया जाता है, उस टेम्परेचर से अधिक होता है इस मंडल में तापमान, कौन से मंडल में, कौन से मंडल की बात कर रहा हूं मैं ओजोन मंडल की बात कर रहा हूं, जो स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर वाले भाग में पाई जाती है। प्यारे विद्यार्थियों, हम इस मंडल के बारे में, जो आपसे स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में बात कर रहे थे, जो हमारे पास में कौन सा मंडल आया, हमारे पास में दूसरे मंडल के रूप में शामिल है, जिसके हमने काफ़ी महत्वपूर्ण आपके पास में फैक्टों की बात की है। हम आगे बढ़ाते हैं इसी गति को, हमारे इसी पाठ्यक्रम को, तो हमारे पास में कौन सा मंडल आता है, हमारे पास में तीसरा मंडल आता है, कौन सा मंडल आता है हमारे पास में, थर्ड मंडल आता है। हम आपसे बात कर रहे हैं कौन से मंडल की, थर्ड मंडल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, जो हमारे पास में आपका तीसरे मंडल के रूप में शामिल है, उस मंडल की हम आपसे बात करना चाहते हैं, अर्थात जो तीसरे मंडल के रूप में हमारे पास में आपका मंडल आ रहा है, वह हमारे पास में कौन सा मंडल आ रहा है, वह आ रहा है तीसरा मंडल है मेसोस्फीयर, कौन सा मंडल आ रहा है, मेसोस्फीयर, कौन सा मंडल, यानी मध्य मंडल कह दो या मेसोस्फीयर कह दो, तो कौन सा मंडल है वो हमारे पास में, वह तीसरा मंडल है, अर्थात जो मंडल हमारे पास में वह आ रहा है, वह हमारे पास में मंडल आ रहा है थर्ड मंडल,
ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ आपसे मेसोस्फीयर की। तीसरा मंडल है मध्य मंडल, हम आपसे बात कर रहे हैं कौन से मंडल की, मध्य मंडल की, यानी हम आपसे मध्य मंडल की बात करें। देखिए हम आपसे बात करना चाह रहे हैं मेसोस्फीयर की, कौन से स्फीयर की बात कर रहे हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं मेसोस्फीयर की, ठीक है ना, मेसोस्फीयर की। देखिए आपको कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं होना है, जो हमने पिछली कक्षा में हमने इस तीसरे क्रम पर ओजोन मंडल को शामिल किया था, तो हमने ओजोन को मर्ज किस में कर दिया, यानी समताप मंडल में कर दिया है मर्ज, क्योंकि समताप मंडल का ऊपरी भाग ही ओजोन मंडल है। इस कारण से हम ओजोन गैस की सांद्रता 22 किलोमीटर पर अधिक होती है, 80 किलोमीटर तक पाई जाती है, इस कारण से हमने ओजोन गैस की अधिकता के कारण से वह ओजोन मंडल उसका नाम पड़ा, तो हमने उसको समताप मंडल के साथ मर्ज करके पढ़ लिया है। तो हम उसके स्थान पर कौन सा मंडल रिप्लेस करके ले आए हैं, मध्य मंडल मेसोस्फीयर को हम रिप्लेस करके ले आए हैं। इसलिए आपको कहीं भी कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं कि साहब आपने मेसोस्फीयर का जिक्र किया ही नहीं था, क्योंकि हम वायुमंडल की जो संरचना है उस वायुमंडल की संरचना के बारे में हम पिछली कक्षाओं से ही अध्ययन करते आ रहे हैं। इसलिए मैंने वहाँ पर एक तापीय आधार पर या भौतिक आधार पर वर्गीकरण किया था, तो दूसरा मैंने सामान्य आधार पर वर्गीकरण किया था। हम बात करें इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो हमारे पास में एसोसिएट प्रोफेसर महोदय हैं DS लाल महोदय, उनकी जो हमारे पास में बुक है, टेक्स्ट बुक है, यानी क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशनोग्राफी, तो उसमें उन्होंने मेसोस्फीयर का कोई जिक्र नहीं किया है, उन्होंने उसके स्थान पर कहाँ पर जिक्र किया है, उन्होंने ओजोनोस्फीयर का ही जिक्र किया है। तो आप कहीं भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको कि साहब उसमें ऐसा था इसमें ऐसा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपका मैंने कॉन्सेप्ट पहले ही क्लियर करके बता दिया है, कौन सा कॉन्सेप्ट कि मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बताया है यह है कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है कि समताप मंडल में ही ओजोन गैस की प्रधानता होने के कारण से हमने उस ओजोन मंडल तीसरे वाले क्रम को हमने समताप मंडल के साथ ही पढ़ के खत्म कर दिया है। अब हमने एक नया मंडल ले लिया, वो मध्य मंडल ले लिया जो सामान्य वर्गीकरण में नहीं था, लेकिन अब जो हम पढ़ रहे हैं वर्गीकरण, यानी रिसेंट में जो हमारे वर्गीकरण चल रहे हैं वायुमंडल के संरचना में, उसमें हमारे पास में मेसोस्फीयर भी आता है, इसलिए हमने इसको थर्ड नंबर पर यहाँ पर मर्ज करके शामिल कर लिया है। हम बात करते हैं आपसे कि इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं मध्य मंडल के, उन बेसिक कॉन्सेप्टों की देखिए, मध्य मंडल का विस्तार इसके इफेक्ट हैं, मध्य मंडल का विस्तार, यानी मध्य मंडल का विस्तार कहाँ, मध्य मंडल का जो विस्तार है मैं उसकी बात करूँ, मध्य मंडल का विस्तार 50 किलोमीटर से 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर से यानी 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर है की ऊंचाई तक है,
पाया जाता है। कहाँ तक पाया जाता है, यानी मध्य मंडल का विस्तार 50 किलोमीटर यानी सी लेवल से समुद्र तल से, ठीक है ना, यानी मध्य मंडल का विस्तार 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। कहाँ तक है इसकी रेंज, कहाँ तक है, 50 किलोमीटर से लेके और 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक। हमने ऊंचाई का निर्धारण बेस कहाँ से माना है, सी लेवल को हमने समुद्र के तल को बेस माना है, और वहाँ से हम एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, व्याख्या से तो हम उसकी चर्चा कर रहे हैं आपके पास में। अगला फैक्ट है, मध्य मंडल में ऊंचाई 'के' साथ तापमान में गिरावट आती है। किसमें, मध्य मंडल में जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे तापमान में क्या आती है, गिरावट आती है। ये इसकी विशेष मुख्य विशेषता है कि ऊंचाई के साथ, किसके साथ, कि ऊंचाई के साथ तापमान में क्या आती है, तापमान में गिरावट आती है। कौन से मंडल में, हम कौन से मंडल की बात कर रहे हैं आपसे, हम आपसे बात कर रहे हैं मध्य मंडल की। मध्य मंडल में जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर जाएंगे वैसे वैसे तापमान में क्या आती है, वैसे वैसे तापमान में गिरावट आती है, यानी डिग्रेडेशन, गिरावट आती है। ये इसकी बहुत अच्छी विशेषताओं में शामिल है कि ऊंचाई के साथ इसके तापमान में क्या आती है, गिरावट आती है। किसके तापमान में, जो मध्य मंडल है इस मध्य मंडल के तापमान में क्या आती है, गिरावट आती है, ठीक है ना। जो मध्य मंडल है इस मध्य मंडल के तापमान में जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे इसमें गिरावट आती जाती है। तो किसी न किसी मंडल की कोई ना कोई विशेषता तो होती है। अगला फैक्टर है, एक नोट डाल के मैं लिख रहा हूं, स्ट्रेटोपॉज पर तापमान की वृद्धि समाप्त हो जाती है, यानी स्ट्रेटोपॉज पर तापमान की वृद्धि समाप्त हो जाती है। इसके ऊपर इसके ऊपर तापमान घटने लगता है। इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर तापमान घटने लग जाता है, यानी इसके ऊपर ऊपर
तापमान घटने लगता है। इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर तापमान घटने लग जाता है, यानी स्टेटोपाज पर तापमान की वृद्धि समाप्त हो जाती है। अब देखिए स्टेटोपाज कहाँ पर है, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है अपने पास में कि स्टेटोपाज कहाँ पर है। हम ये कर रहे हैं, हम स्टेटोपाज की आपसे बात करें कि स्टेटोपाज कहाँ पर है, तभी तो हम आगे समझ पाएंगे ना। इसका मतलब इतने देर से हम आपसे बात कर रहे थे, देखो हम आपसे बात करें किस प्रकार से हम आपसे बात करते हैं, देखिए आप, यानी मुख्य रूप से हम आपसे बात करें कि नंबर एक शुभ मंडल, ठीक है, मैं नीचे से लेते हुए चलता हूँ क्योंकि नीचे से ऊपर की ओर बढ़ेंगे। शुभ मंडल कौन सा मंडल, शुभ मंडल, शुभ मंडल के ऊपर समताप मंडल, समताप मंडल के ऊपर कौन सा मध्य मंडल, तीन मंडल पढ़ लिए हैं ना। देखिए मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ यहाँ की, मैं इस जगह की आपसे बात कर रहा हूँ, इस जगह की, चलो मैं अलग इंक से आपसे इंडिकेट कर देता हूँ जिससे कि आपको समझने में बहुत सुविधा रहे, आप इनका अंतर निकाल सको। मैं इस जगह की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं यहाँ पर दो मंडलों के बीच में जो एक संकीर्ण जो परत पाई जाती है, यानी दो मंडलों के बीच में जो एक संकीर्ण परत पाई जाती है, यदि हम उस परत की आपसे बात करें तो वह पा या यानी वह पाज कहलाती है, पोज कहलाती है, देखिए वह है पोज कहलाती है। इसका मतलब शोभ मंडल और समताप मंडल के मध्य, तो शोभ मंडल देखिए मैंने इसे शोभ और में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं जिससे कि आपका और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आप जब भी पढ़ो तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए। यह शोभ मंडल है अपने पास में, कौन सा मंडल है, यह शोभ मंडल है। मैंने इस शोभ मंडल को क्या किया, मैंने शोभ मंडल को एक सेपरेटली एक बॉक्स में बंद कर दिया। देखिए आप इस शोभ मंडल को मैंने एक बॉक्स में बंद किया, इस शोभ मंडल के मैंने दो डिवाइडेशन कर दिए, इसके दो भाग बना दिए, बना दिए मध्य से। अब इनके बीच में मैंने शोभ मंडल लिख दिया, इन दोनों के बीच में, तो ये तो हो गया निचला निचली शोभ मंडल की परत, ये तो निचला शोभ मंडल हो गया, और ये शोभ मंडल कौन सा हो गया ऊपरी। तो क्या आप इसी ऊपरी शोभ मंडल को शीर्ष शोभ मंडल नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं शीर्ष शोभ मंडल, इसका मतलब निचला शोभ मंडल और ऊपरी शोभ मंडल, अर्थात शोभ मंडल का शीर्ष भाग, शोभ मंडल का कौन सा भाग, शोभ मंडल का शीर्ष भाग की मैं आपसे बात कर रहा हूं, कौन सा भाग, शोभ मंडल का शीर्ष भाग की बात कर रहा हूं, ठीक है जी, शोभ मंडल का शीर्ष भाग। अब यहां से जो हमारा मंडल चालू हुआ, यह मंडल कौन सा है, यह मंडल है समताप मंडल, अर्थात मैंने समताप मंडल को भी दो भागों में बांट दिया। ये देखो मैंने समताप मंडल को भी कितने भागों में बांटा, मैंने समताप मंडल को भी दो भागों में बांट दिया, अर्थात मैंने समताप मंडल को दो भागों में बांटा, मैंने समताप मंडल को दो भागों में बांटा, समताप मंडल को मैंने दो भागों में बांटा, तो ये तो समताप मंडल कौन सा हो गया, ये तो निचला समताप मंडल, और ये कौन सा समताप मंडल हो गया, यह है हो गया कौन सा समताप मंडल, ऊपरी समताप मंडल,
कौन सा समताप मंडल, यह हमारे पास में हो गया ऊपरी समताप मंडल। बात समझ में आ रही है आपके? इसका मतलब अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ किसकी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस वाले भाग की कि निचला समताप मंडल, देखिए आप मैं यहाँ पर ट्रेसिंग कर रहा हूँ, और ऊपरी शोभ मंडल यानी शीर्ष शोभ मंडल, मैं इस मंडल की आपसे प्यारे विद्यार्थियों बात कर रहा हूँ, ये वाला मंडल जो मैं ट्रेसिंग कर रहा हूँ, देखिए आप ट्रेसिंग देख रहे, दिख रही होगी आपको ट्रेसिंग, ये ट्रेसिंग दिख रही होगी। इसको मैंने कहा दो मंडलों के बीच में एक संक्रमण जो जोन होता है, जो ट्रांजेक्शन जोन होता है, जो संक्रमण जोन होता है उसको ओज कहते हैं। तो ये शोभ है, शोभ का ऊपरी भाग है, समताप का निचला भाग है। तो हमने इसको नाम क्या दिया, हमने इसको नाम दे दिया शोभ सीमा, ठीक है जी, या हमने इसको नाम दे दिया ट्रोपोपोज। कौन सा नाम दे दिया, यानी ट्रोपोपोज, ठीक है। अब हम आपसे बात कर रहे हैं कौन से मंडल की, हम आपसे बात कर रहे हैं अब हमारे पास में ये समताप मंडल है यहाँ तक। जब यहाँ तक समताप मंडल है तो ये समताप मंडल का ऊपरी भाग है। अब मैं यहाँ की आपसे बात करना चाह रहा हूँ इस मंडल की, तो इसका मतलब ये मेसोस्फीयर है। तो इस समताप मंडल के ऊपरी भाग में ही तो ओजोन गैस है, मैं इसी को तो ओजोन गैस यानी ओजोन मंडल कह रहे हैं, यही तो ओजोन गैस की सांद्रता पाई जाती है, यही तो ओजोन गैस है। प्यारे विद्यार्थियों, हम नेक्स्ट क्लास में इस संरचना का स्ट्रक्चर का डायग्राम बनाएंगे, वो डायग्राम के माध्यम से हम समझेंगे, लेकिन यहीं पर तो ओजोन गैस है, इस जगह पर ही तो ये ओजोन गैस है ना, यहीं पर ही, ठीक है जी। तो हमने इस मंडल को कितने भागों में बांट दिया, इस मंडल को दो भागों में। इसका मतलब मध्य मंडल का तो निचला भाग, और समताप मंडल का ऊपरी भाग, जिसमें कौन सी गैस की प्रधानता है, जिसमें ओजोन गैस की प्रधानता है, अर्थात मैं इस वाले भाग की बात कर रहा हूँ। तो मैं इसी को ही क्या कह रहा हूँ, मैंने इसी को ही समताप सीमा कहा है, और इसी का मैंने जो दूसरा नाम दिया है आपको, वह दूसरा नाम क्या दिया है, इसको स्ट्रेटोपोज। देखिए आइए आप, हम यहीं पर आ गए ना, यहां से हम यहां पर पहुंच गए ना, तो मैं यही तो आपको समझाना चाह रहा था, यही तो मैं आपको कहना चाह रहा हूं, आप कॉन्सेप्ट तो क्लियर करिए एक बार, कॉन्सेप्ट संबंधी किसी प्रकार की किसी छात्र छात्रा के प्रॉब्लम नहीं आने दी जाएगी, अर्थात आप इस चीज के लिए निश्चित रहिए। तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ किसकी, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ स्ट्रेटोपोज पर तापमान की वृद्धि समाप्त हो जाती है, यानी यहाँ पर तापमान की वृद्धि क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इसके ऊपर से मध्य मंडल स्टार्ट हो गया, ये आपका मध्य मंडल है, जब यहां से मध्य मंडल स्टार्ट हो गया तो यहां तापमान की गिरावट प्रारंभ हो जाती है। यहां तापमान की गिरावट क्या होती है, यहां पर तापमान की गिरावट प्रारंभ हो जाती है, अर्थात वृद्धि, तापमान की वृद्धि तो समाप्त हो जाती है और तापमान यहां पर क्या हो जाता है, तापमान गिरने लग जाता है। अगला फैक्टर है मध्य मंडल की ऊपरी सीमा अर्थात अर्थात
अर्थात 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर, अर्थात 80 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद, अर्थात 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान, 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान माइनस 80 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, माइनस 80 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, तथा यह गिरावट, यह गिरावट माइनस सौ डिग्री सेंटीग्रेड से एक माइनस 133 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकती है, यह गिरावट कितनी हो सकती है? यह गिरावट हो सकती है मध्यमंडल की ऊपरी सीमा, मध्यमंडल की कौन सी सीमा? मध्यमंडल की ऊपरी सीमा, अर्थात मध्यमंडल की जो ऊपरी सीमा, अर्थात 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर माइनस 80 डिग्री, यानी 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर माइनस 80 डिग्री सेंटीग्रेड, अर्थात 80 डिग्री सेंटीग्रेड की ऊंचाई पर तापमान की ऊंचाई पर कि ऊंचाई पर तापमान माइनस 80 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, क्या हो जाता है, तापमान कितना हो जाता है, यानी 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर माइनस 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक माइनस में तापमान चला जाता है, और यह गिरावट कहां तक पहुंच जाती है? लगभग माइनस 100 डिग्री सेल्सियस से माइनस 133 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती है। प्यारे विद्यार्थियों, हम इस पृथ्वी की जो शेष विशेषताएं हैं हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी विद्यार्थियों को मेरी ओर से धन्यवाद।